हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से स्वागत है, खैर मकदम है एक और बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। कहाँ से? तो फ्रेंड, जस्ट हमारे सामने ना भुवनेश्वर, जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। और मेरे लाइन से ना फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे रहने के भी होटल हैं और साथ ही साथ खाने के भी यहाँ पर लाइन से होटल है। यहाँ स्ट्रीट फूड भी है और अच्छे होटल भी है। तो फाइनली हम लोग चूँकि एक ट्रैवलर है तो बजट में खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग बजट के लिए ना फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाने का है। ऐसे फल वगैरह जो लेना चाहते हैं ना तो सब मिल जाएगा यहाँ पे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फ्रेंड मैं बता दूँ कि अभी मैं निकला प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर। सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट किया था वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर, बट खाना खाने मैं आया हूँ 1 नंबर के बाहर, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर ना बजट में खाने का कोई होटल नहीं है। एक होटल है लेकिन वो बहुत ही बढ़िया है, मैं वहाँ का कोशिश करूँगा कि बताऊँ। वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं खाना यहाँ खा लिया हूँ और शाम में निकल जाऊँगा, तो रात का खाना खाना नहीं है मुझे यहाँ। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या लंच कुछ भी, तो 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसके बाहर खाइए। तो जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने ही वो होटल है, शायद सागर या समथिंग कुछ इसी तरह नाम है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। अब तक जो मैंने 350 शहर में मैं घूमा था, बट खाने का जो सबसे अच्छा मुझे ब्रेकफास्ट मिला ना 350 शहर में, इसी प्लेटफॉर्म नंबर के बाहर होटल में मुझे मिला। मैंने आलू चप खाया था और छोला, 40 का प्लेट था, 4 पीस, इतनी बेहतरीन क्वालिटी का था ना वो आलू चप, मैंने अपने लाइफ में वैसा नहीं खाया था। तो आप वहाँ ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर। फिलहाल प्रजेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट यहाँ पर एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर जब 50 कदम आप आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का होटल सिद्धि और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, होटल आपको खाने को मिल जाएंगे। मैं बता दूं कि यहाँ सिर्फ 60 रुपया में अनलिमिटेड चावल मिल जाता है, भुजिया है, सलाद है, पापड़ है, अचार है और 2 तरह का सब्जी है, अनलिमिटेड चावल है। सिर्फ 60 रुपया में ना यहाँ पे आप भर पेट खाना खा सकते हैं, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया था और पेट भर के, तो दोनों आप यहाँ पे मौजूद है, सस्ता भी और महंगा भी, आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। ये पहला ब्लॉग जो था ना फ्रेंड सस्ते होटल का था, मतलब कि बजट वाले होटल का, जिसको खाना बजट में खाना है उनके लिए था। और साथ ही साथ ये पहला वीडियो मैंने खाने का दिखाया। इसके बाद ना फ्रेंड होटल की बात करूँ ना, तो बहुत सारे होटल है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर भी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर भी, तो होटल की कोई कमी नहीं है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अभी इसके बाद ना 3-4-5 ब्लॉग आपको यहाँ के बजट वाले होटल, सस्ते होटल और हाई क्वालिटी के होटल, सभी तरह के होटल आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैंने खाना खाया बट मैं वीडियो नहीं बनाया अपना खाना खाते हुए, अच्छा नहीं लगा, बट खाना मैंने दिखाया, यहाँ खाइए। भुवनेश्वर में खाने का कोई टेंशन नहीं लेना है, बजट में भी है और हाई भी है। तो कैसा ये ब्लॉग लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं यहाँ के रहने वाले होटल के ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय।